पार्लियामेंट जैसा सबको सत्य बोलना चाहिए। आपने तो सांसदों की हत्या करने की कोशिश की। वह किसी भी सदस्य का नाम जो सदन में मौजूद नहीं है वो ना ले। और मुलायम सिंह यादव ने कहा यदि बीजेपी नहीं होती हमारे सांसद नहीं बसते। जैसे निशिकांत दुबे जी ने कहा था वो महिलाओं का दर्द समझते हैं, तो उनको पिछड़ी महिलाओं का भी दर्द समझना होगा। बुधवार को लोकसभा ने ऐतिहासिक महिला आरक्षण बिल पर मुहर लगा दी। इसे लेकर लोकसभा में पक्ष विपक्ष में तीखे नोकझोंक भी देखने को मिले, खासकर भाजपा और सपा के सांसदों के बीच। बता दें कि महिला आरक्षण बिल पर बहस के दौरान बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने मुलायम सिंह यादव को लेकर एक टिप्पणी की, जिसे सुनकर सपा सांसद डिंपल यादव भड़क उठी और उन्होंने सदन में ही दोबारा मुलायम सिंह का जिक्र नहीं करने की नसीहत दे डाली। सर, मेरा अनुरोध है सर कि आप हमारे मोस्ट ऑनरेबल मेंबर को ये कहिए कि वह किसी भी सदस्य का नाम जो सदन में मौजूद नहीं है वो ना ले और आने वाली कार्यवाहियों में भी ना ले। हुआ ये था कि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने महिला आरक्षण को लेकर सरकार का पक्ष रखते हुए विरोधी दलों पर निशाना साध रहे थे। इसी दौरान उन्होंने मुलायम सिंह यादव का जिक्र किया, साथ ही बिना मुलायम सिंह का नाम लिए तंज करने वाले लहजे में कहा कि अब आप समझ लीजिए कि उनकी भावना कैसी है, महिलाओं के बारे में ये कैसा सोचते हैं। ये पार्लियामेंट है सर, सबको सत्य बोलना चाहिए। और मुलायम सिंह यादव ने कहा यदि बीजेपी नहीं होती तो आज के डेट में हमारे सांसद नहीं बसते। आपने तो सांसदों की हत्या करने की कोशिश की। और उसी दल के साथ, उसी 26 दल के साथ ये आए हैं जिनका की मानसिकता ही नहीं है कि महिला को रिजर्वेशन मिले। उसी के कारण ये कभी ओबीसी रिजर्वेशन की बात करते हैं, कोटा विद इन कोटा की बात करते हैं, राज्यसभा में जो है उसको अधिकार देने की बात करते हैं, विधान परिषद में क्यों नहीं रिजर्वेशन दिया उसकी बात करते हैं, फिर वो बात करते हैं कि 2024 से क्यों नहीं लागू होगा। इनको सब कुछ पता है। बता दें कि निशिकांत दुबे ने जब ये बात कही तो डिंपल यादव मुस्कुरा रही थी, लेकिन थोड़ी ही देर में उनके भाव बदल गए। इसके बाद जब डिंपल यादव की महिला आरक्षण बिल पर बोलने की बारी आई तो पहले उन्होंने पार्टी की बात रखी, इसके बाद निशिकांत दुबे को आड़े हाथों लिया और अपने संबोधन को खत्म करते वक्त निशिकांत दुबे को करारा जवाब दिया और सभापति से अपील की कि वो किसी भी सदस्य का नाम ना लें जो सदन में मौजूद नहीं है। जैसे निशिकांत दुबे जी ने कहा था वो महिलाओं का दर्द समझते हैं, तो उनको पिछड़ी महिलाओं का भी दर्द समझना होगा। सर, मेरा अनुरोध है सर कि आप हमारे मोस्ट ऑनरेबल मेंबर को ये कहिए कि वो किसी भी सदस्य का नाम जो सदन में मौजूद नहीं है वो ना ले और आने वाली कार्यवाहियों में भी ना लें। बता दें कि महिला आरक्षण को लेकर डिंपल यादव ने समाजवादी पार्टी का रुख लोकसभा के सामने रखा और महिला आरक्षण में ओबीसी के लिए अलग आरक्षण की मांग को दोहराया, साथ ही सरकार की मंशा पर भी सवाल उठाए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।